आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है, यदि y बराबर a cos वर्ग थीटा तथा x बराबर b sin वर्ग थीटा हो तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर ab, dy/dx धन ab बराबर 0। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम लिख लेते हैं, y बराबर क्या दिया हुआ है, a cos का वर्ग थीटा तथा x बराबर क्या दिया हुआ है, b sin का वर्ग थीटा। तो y को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dt क्या हो जाएगा, a 2 cos थीटा तथा ये हो जाएगा ऋण sin थीटा। इसे हल करने पे हो जाएगा 2a ऋण 2a sin थीटा गुणा cos थीटा। यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, dy/dθ का मान। इसी प्रकार dx, x को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या आएगा, 2b sin थीटा तथा cos थीटा। तो ये हो गया dx/dθ का मान। तो यहाँ से dy/dx का मान निकालने के लिए हम dy/dθ को भाग देंगे dx/dθ से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, dθ कट गया, क्या आएगा dy/dx, तथा इनके मानों को यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2a sin थीटा into cos थीटा पूरे का बटा 2b sin थीटा गुणा cos थीटा। यहाँ से 2 कट गए, sin थीटा कट गया, cos थीटा कट गया। बचा क्या है हमारे पास दोस्तों, यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर ऋण a/b। इसे पक्षांतर करके मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जाएगा dy/dx ऋण का धन, ये हो जाएगा धन a/b बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।